आगरा में एक बार फिर भगवान बनकर डॉक्टरों ने एक नवजात शिशु की जान बचाई। बता दें कि डॉक्टर ऑफ ड्यूटी होने के बावजूद भी समय से पहुंचकर गर्भवती महिला का इलाज किया, जहां 30 मिनट CPR कठित प्रयासों के बाद बच्चे की जान बचाई गई। दरअसल जन्म के बाद नवजात सांस नहीं ले पा रही थी। अमेठी में यूपी बोर्ड की परीक्षा में बलिया जिले में प्रशासनिक लापरवाही के चलते बोर्ड के परीक्षा पत्रों के आउट होने की खबरों को लेकर बलिया के पत्रकारों ने प्रमुखता से छापा था, जिसे संज्ञान में लेते हुए बलिया प्रशासन ने उच्च पत्रकारों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी करा दी थी। वहीं प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अमेठी प्रेस क्लब के अध्यक्ष शीलता प्रसाद मिश्रा ने राज्यपाल महोदय को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी अमेठी को दिए। बलिया जनपद में अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा के 3 पत्रकार बंधुओं को इस बात के लिए मुकदमा लिख करके जेल भेजा गया कि उन्होंने जो लगातार वहां पर पर्चे आउट करा करके नकल कराई जा रही थी, उसके संबंध में खबर लिखा और मांगे जाने पर उन्होंने वो पर्चे भी उपलब्ध करा दिए जिन पर्चों को आउट करने का आरोप था। इस बात को लेकर के पूरे प्रदेश में पत्रकार समुदाय दुखी है। ये प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है और प्रेस की आज़ादी पर कुठाराघात है। हम बदायूं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय समरेर में बीमार हुए छात्राओं से मिले। दरअसल 3 दिन पहले दूषित भोजन करने से 28 छात्राएं बीमार हो गई थी, तो वही विद्यालय पहुंचकर जांच में दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही भोजन की गुणवत्ता की जाँच के बाद संस्थानों को ब्लॉकलिस्ट किया जाएगा। इन बच्चियों के बीमार होने के प्रति जो यहाँ के प्रिंसिपल का चार्ज है जिला समाज कल्याण अधिकारी पास, उनकी लापरवाही, जब बार्डन छुट्टी लेकर के गई तो उन्हें किसी बार्डन की जिम्मेदारी लिखा पढ़ा तो देना चाहिए। वो इन लोगों ने बिल्कुल ये बना रखा है कि जैसे इनके घर की खेती है, जब चाहे गन्ना बो देंगे जब चाहे धान बो देंगे। सरकारी तंत्र को इन्होंने फेल करने का काम किया। बुलंदशहर के थाना कुर्जर नगर में स्पेयर पार्ट की दुकान की सह पर 3 बाइक चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल युवक जुनैद अपनी स्पेयर पार्ट की दुकान थाना खुर्जा देहात में चलाता था। उसके मिली भगत के अनुसार अन्य 3 बाइक चोरों ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया। खुर्जा देहात इंस्पेक्टर और उनकी टीम के द्वारा एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसमें 3 साथी वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और एक इस गैंग का जो सरगना है, जो दुकान चलाता है खुर्जा नगर क्षेत्र में रहने वाला है, खुर्जा देहात में इसकी दुकान है जहां पे इसके साथी जो चोर हैं ये वाहन मोटरसाइकिलें आज चुरा के लाते हैं और इसे बेचते हैं। इसके बाद उसके पार्ट्स अलग अलग काट करके और फिर उन्हें बेच देता है और आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। तो इस तरह जो गैंग लीडर है वो जुनैद है, जो खुर्जा नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसकी अलीगढ़ जिला कारगर से 9 कैदियों को रिहा। बता दें लंबे समय से जुर्माना ना देने के कारण जेल में बंद थे कैदी। एक समाज सेवी द्वारा राज्य कोष में जुर्माने की रकम जमा कराने के बाद उन कैदियों को रिहा कर दिया गया। बता दें वही BJP के स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों से तकरीबन 129 कैदियों को समाज सेवी द्वारा जुर्माना जमा करवाने के उपरांत रिहा किया गया। हेडक्वार्टर लखनऊ में माननीय कारागार एवं होमगार्ड स्वतंत्र प्रभार मंत्री राज्य मंत्री ACS साहब और हमारे DG साहब वाजिर के समस्त अधिकारियों की मीटिंग थी, जिसमें माननीय मंत्री जी ने निर्णय लिया कि जेल में जो बंदी जुर्माना के बदले में अपनी सजा व्यतीत कर रहे हैं और वो छूट नहीं पा रहे हैं, ऐसे बंदियों को जुर्माना जमा करा कर आज जो है इनको रिहा करवा दिया जाए। तो फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना कस्बे में 18 मार्च को होली त्यौहार के मौके पर रंग खेलने को लेकर बच्चों के बीच बचाव में मामूली विवाद हो गया था, जिसमें सिंगौर समाज और खटिक समाज के लोगों के बीच जाति हिंसा हो गई। उपद्रवियों ने इस घटना में पहुंचे DM और SP की गाड़ियों पर पथराव भी किया, जिसमें आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। वही घटना के बाद दोनों पक्षों और पुलिस की तहरीर पर 133 अज्ञात लोगों के विरुद्ध बलवा सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
दरअसल हम लोग अखिल भारतीय खटीक महासभा से हैं और मैं चंद्रभानु प्रभानु छोड़कर जो है जिलाध्यक्ष खटीक भारतीय खटीक संघ फतेहपुर। अभी पिछले महीने जो है 18/3/2022 को एक किशनपुर थाने में बड़ी घटना हुई जिसमें दो जातियों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा झगड़ा हुआ रंग आदि डालने के संबंध में। एक विशेष वर्ग के लोगों ने खटीक समाज को टारगेट करके वो घर में घुस घुस कर चिन्हित कर लोगों को मारने का काम किया। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र के नगर में पंजाब नेशनल बैंक में हथियारों के बल पर बैंक में नकाबपोश बदमाश ने 12 लाख लूट की घटना को अंजाम दिया। वही बदमाशों को जाते हुए देख सीसीटीवी वायरल हो गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। वहीं अब इस मामले को लेकर मेरठ रेंज आईजी प्रवीण कुमार ने पूरा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बैंक लूट में जो अपराधी थे वो नौसिखिए थे, नंदग्राम के लोकल थे, इसलिए उन्हें पता ये था कि बैंक में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका फायदा उठाया। गोंडा से जहां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की 42वें स्थापना दिवस मनाए गए, वहीं गोंडा जिले में भी इसको लेकर बड़ी उत्साह दिखाई दिया। गोंडा जिले के भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री और प्रोटेम स्पीकर गणपति शास्त्री के अलावा जब भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। पूरे देश भर में सारे कार्यकर्ताओं के साथ रह करके हर मंडल पर और हर बूथ तक आज ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम अच्छे कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूँ।